गाइस, पवन कल्याण सर की वीरमल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट का टीजर आ चुका है। आइए देखा जाए, फिर बात करेंगे। 1 2 3। रत्नम? हाँ, ये तो फ्यूडल ले पहले का टाइम दिखाया। महाराष्ट्र? ओ, फ्यूडल एरा है गाइस, पहले का टाइम, यानी कि इंडिपेंडेंस यानी आजादी के पहले का। अच्छा, मुगल, मैंने बोला था ना मुगल टाइम। अरे बॉबी देओल भाई साहब, एनिमल के बाद तो चमक गए एकदम मस्त। समझा मैं, मुगल पीरियड के टाइम की ये मूवी। अरे भाई साहब, ये चार मीनार है। हाँ, हैदराबाद पीछे था ना, चार मीनार हैदराबाद में। हाँ वही है। क्या सेटअप किया है मतलब। अरे वाह, पार्ट वन यानी कि पार्ट टू भी आएगा, पार्ट थ्री भी हो सकता है। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, ओ अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे, धर्मयुद्ध 2024। तो गाइस बेसिकली इसमें यही है कि मुगल पीरियड के टाइम पे जो कि मेन विलेन जो है वो बॉबी देओल लग रहा है कि है इसमें। पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, पार्ट थ्री भी आ सकता है। तो बेसिकली इसमें ये है ना कि जो मुगल पीरियड पे जितना मतलब एक्सप्लाइटेशन होता था हमारे इंडियंस का, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनका जो एक्सप्लाइटेशन होता था, यानी कि एक्सप्लाइटेशन की एक चेन होती थी, अगर आप मैं बताऊं एक हायरार्की होती थी उस टाइम पे, कि मुगल बादशाह है वो एक्सप्लाइट करेगा नीचे सामंत वगैरह जो जमींदार बड़े बड़े होते हैं उनसे टैक्स वगैरह, और जो जमींदार है वो अपना पूरा शोषण करेगा किसका, जो पुअर पीपल हैं उनका शोषण करेगा, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाएगा और वगैरह वगैरह यही सब कराएगा। तो अब इसमें यही है कि जो पवन कल्याण है वो आएंगे, गरीब लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। इस पहले तो ये जमींदार लोग हैं उनसे, और उसके बाद अब, हाँ अब ये फर्स्ट पार्ट में ना लग रहा है जमींदारों से मुक्ति दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे, जो शोषण कर रहे हैं उनको मारेंगे फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हो सकता है कि जो मुगलों मुगल जो है बॉबी देओल हैं उनसे इनकी मेन लड़ाई होगी, सबको मोबिलाइज करेंगे, जो जितने भी पीपल सब लोग हैं सबको इकट्ठा करेंगे, अब सब मिलके मुगल जो बादशाह है बॉबी देओल, अब वो किसका है, वो औरंगजेब हैं शायद या फिर कौन है, वो अभी तो टीजर ही आया है, अब ट्रेलर आएगा तो उसमें और डिटेल निकल के आएंगे कि हाँ वो जो मुगल बादशाह है बॉबी देओल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं वो औरंगजेब का प्ले कर रहे हैं या अकबर है या कौन है। हालांकि अकबर तो नहीं हो सकता, मुझे पूरा अनुमान है कि औरंगजेब ही हो। हाँ, और बाकी गाइस यही था। और हाँ एक चीज़ और कि जो पीछे का जो लुक दिया गया है, यानी जब लास्ट में आपने देखा होगा जब लड़ाई हो रही थी तो पीछे चार मीनार था, वो चार मीनार ही था, यानी कि हैदराबाद। तो हैदराबाद से सटा हुआ जो पूरा एरिया, पहले तो हैदराबाद नहीं था, हैदराबाद जैसे था निज़ाम के अंडर में था, फिर महाराष्ट्र और हैदराबाद और कर्नाटका वगैरह लेके साउथ का पूरा रीजन है, उसकी पूरा स्टोरी लग रहा है कि दिखाया जाएगी कि आज़ादी से पहले की स्टोरी वहाँ पे कैसी थी, क्या थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से हिस्टोरिकल सी मूवी होने वाली है ये, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी ट्रेलर आएगा तो हम लोग और वीडियो लाएंगे। बाकी मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।